हेलो आप लोग क्या कर रहे हो? लास्ट में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, आप इधर आके अपनी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और अभी मैं निकल गई हूँ अपने होम टाउन उत्तराखंड जाने के लिए। लाइक इस बार मैं सिर्फ हल्द्वानी यानी दादी के घर तक नहीं जा रहे हैं, हम लोग आगे अपने गांव जाने वाले हैं जहाँ पे हम इस बार 6-7 साल के बाद जा रहे हैं। एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। बचपन में तो हम लोग साल में एक बार जाया ही करते थे, बट फिर सभी लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए तो अब तो उधर कोई रहता ही नहीं है रिलेटिव एज सच, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। पूजा वगैरह भी है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, जस्ट फॉर द वीकेंड। बट यस, अभी मिनी वॉशरूम ब्रेक लिया था तो सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। पब्लिक टॉयलेट्स आर सो बैड, बट ठीक है काम हो गया। एंड अभी हम लोग को निकले हुए अराउंड 1.5 घंटा हो चुका है। मम्मी मुझे बताओ, फास्ट फूड खाना है या नॉर्मल खाना खाना है? मतलब बर्गर पिज्जा टाइप नहीं खाऊंगी। क्या भी तो बोल रहे जो होगा वो खा लूंगी। मिट्टी है, हाथियों। मम्मी यार बताओ जल्दी, मतलब कि खाना खाना है या फास्ट फूड? मम्मी जो आप खाओगे हम वो खाएंगे, हम अब आपकी मर्जी पे चलेंगे। तो खाना खा लो कह रही हूँ। खाना पापा उसमें लो, वो जो पेट्रोल पंप वाला है उसका नाम क्या है? हट। हाँ वो हट है, वो बचा। हाँ वो तो काम चल रहा है। हाँ वो ही ना, पहले देख लेना कितना क्यूट है। अबे ये छोटा गधे का बच्चा कितना प्यारा है। आगे देख, आगे वाला देख, आगे आगे वाला सुनिए, आगे वाला। हेलो आगे देख, आगे वो आगे चले गए। ये तो रहा, ये तो रहा, देखो अरे ये ना, इससे छोटा है। चलो ना आगे। ये देखे देखे देखे। ये ना तो यही तो व्लॉग कर रही थी मैं भाई, अब तो हमने गधा पालने का मन कर रहा है। हम हर बार जब भी उत्तराखंड जाते हैं तो रोड ट्रिप पे हम यहीं पे खाते हैं, तो ये है तड़का ढाबा और ये गजरौला में है। आप लोग ऑब्वियसली गूगल मैप्स पे डाल सकते हो, बट लैंडमार्क के लिए यहाँ पे मैकडी का ड्राइव थ्रू भी है। एंड इधर सामने पे सारे ही फास्ट फूड जॉइंट्स भी हैं, लाइक पिज्ज़ा हट, वांगो, बर्गर सिंह, सब कुछ ही है। बट ये यहाँ अंदर एक पेट्रोल पम्प है, उस पेट्रोल पम्प में जब आप अंदर आओगे तो वहाँ आके ये तड़का ढाबा है। तो अगर आप कभी भी इधर रोड ट्रिप मार रहे हो उत्तराखंड की तरफ, या मतलब इस रूट पर गजरौला वाले रूट पर आओगे, तो डेफिनेटली चेक द तड़का ढाबा आउट। My God, आपने ऐसा खाना कहीं नहीं खाया होगा। एंड हमने चारों ने पेट भर के खाना खाया, तो इट इज़ अफोर्डेबल एंड रियली रियली टेस्टी। डेफिनेटली चेक इट आउट अगर आप इस रूट से कहीं पे भी जाते हो तो। भाई तेरे साथ तो मुझे डर लगती है। 7:30 बजे मतलब कि हम 5 घंटे, अरे मेरा मुंह कांग गया। अरे कि फेस नॉट डिटेक्टेड। अबे चुप। तुम उठा उठा। मैं जा रहा हूँ। मैं जाऊँ? पकड़ लेगी। मैं नहीं। उठा लिया, अरे उठा लिया, चलो भाई। इतना बोल दो, मैं जा रहा हूँ। तो 5:30 घंटे के बाद हम 5:30 घंटे मेरी शक्ल फिर नॉट डिटेक्टेड। हाँ ये कर लो पहले। 5:30 घंटे के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हल्दू चौड़, जहाँ की मेरी दादी रहती है और मेरा कजिन भी रहता है। हेलो बोलो। और यहाँ पे आते हैं हमारी आवारा गर्दी शुरू हो गई, हम 3 के 3 निकल चुके हैं स्कूटी पे मोमोज खाने। रोल्स खाने, नॉट द मोमोज, ओनली द रोल्स। यहाँ पे खाना है? यहाँ तो मैं पहली बार आ रही हूँ। हटना, उतर जाऊँ? यही ले आऊँ तो। भाई बहुत ठंड है भाई। अबे सीधा खड़े हो जा यार। हाँ और तू
तुम दोनों झुक जाओ ताकि सारी अरे ये झुक रहा है तो मत करो मैं जम गई हूँ लिटरली। अम्मा नमस्ते। अम्मा बोलो हेलो। हेलो। देखो मैं कैमरा लेके आई नया, कितना सुंदर है ना। किस उने मेरे पता नहीं। हाँ नया कैमरा। हेलो बोलो। हेलो बोलो कैसे हो आप लोग। आप लोग कैसे हो। हेलो आप लोग क्या कर रहे हो। इट इज़ नॉट इवन 6 राइट नाउ और हम लोग ऑलरेडी उठ चुके हैं। मैंने नहा लिया है एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा डार्क है बट दिस इज जस्ट द मून लाइट क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स एज सच है नहीं बाहर। एंड हम लोग रेडी हो चुके हैं, मेकअप भी कर लिया है एंड आउटफिट मैं हम लोगों को बाद में दिखा दूँगी बिकॉज ऑफ कोर्स इतने अंधेरे में तो मैं भी दिखा भी नहीं सकती। एंड एवरीबडी इज़ लाइक नॉट एवरीबडी इज़ अवेक अभी बट हाँ जिन जिनको जाना है वो लोग रेडी हो चुके हैं। तो मैं अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ जाने वाली हूँ टू सम ऑफ द टेम्पल्स जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हैं एंड ऐसे बोलते हैं कि उधर सारी विशेस पूरी हो जाती है। तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड या थोड़ा सा उजाला होता है तो फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, द प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल लाइक इट इज़ अमेजिंग क्योंकि हम लोग अपने जो दादी का घर है जहाँ पे पहले ये लोग रहते थे, जहाँ पे मेरे पापा बॉर्न हुआ, जहाँ पे मैं बॉर्न हुई थी, उस वाले घर में भी हम लोग जाने वाले हैं। सो यस स्टे ट्यून्ड, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड या चलो चलते हैं। इनका कुछ अलग नाम भी होता है, मतलब हमारे वहाँ तो जो ऐसे केले होते हैं उसको इलायची केला बोलते हैं। दोनों हाथ आगे करो। क्या केला ही तो दिया ना सर। अच्छा पापा वो कह रहे छिलका नहीं खाऊंगा, केला दो दो ना पापा। छिलका नहीं खाते तो देखो। वाह 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 भाई पापा, बाबे तो आपसे ज्यादा समझदार है भाई। कितना सुंदर है यार, एक बंदर ले चले। अच्छा देख कैसे खा रहा है। हाँ ऐसे छिलके हम खाते हैं। आओ ओए मम्मी, मैं तो फैशन देख रही हूँ नीचे से। ठीक हो यार, वो जाना आता तू कहाँ है बताओ। कैची बताओ इस जगह के बारे में। कैची धाम उत्तराखंड का फेमस है ये तो, नीम करौली बाबा का धाम है ना। A few moments later. We were going to Neem Karoli Baba. I didn't make a video there because we were in a little rush. There was no plan to go there. But that was on the road because Kachi Dham had fallen. So we went to go there. But yes, that was the Nadi I showed you. That's what it's called. After taking Samadhi, they celebrate their birthday. So Desi Ghee ke Malpue batte hain sare bhaktoon mein. एक बार ऐसा होता कि उधर घी ख़त्म हो गया था एंड भक्त और भी वेट कर रहे थे बाहर, तो उन्होंने जो दासी थी उन्होंने बापू को याद किया और वो नीचे नदी से दो कंतर पानी लेके आई और फिर वो पानी से पूरी तली तो वो देसी घी बन गया। और फिर उन्होंने बाद में क्योंकि लोन लिया था तो वो लोन चुकाने के लिए उस नदी में वापस से दो कंतर घी डाल के आ गए। तो ये उधर की कहानी है। प्लान नहीं था उधर जाने का बट रास्ते में पड़ा एंड बहुत अच्छा लगा कि लगे हाथ उधर भी दर्शन हो ही गए थे। उनकी पूजा की थाली गिरा दी अपने खाने के लिए। उसको खाना चाहिए, फोन नहीं चाहिए, फोन का क्या करेगा। दो हाथ से खा रहा है, मस्त लग रहा है ना, भर रहा है मुंह।
गाइज अभी हम लोग अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ये गैरार बागेश्वर में आता है, अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अनडिस्कवर्ड एरिया है, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। बट ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ के भगवान जी हैं, ऑब्वियसली हमारे तो इष्ट देवता है, बट जो यहाँ पे हैं वो रक्षा करते हैं हमारी, तो सारी विशेस पूरी करते हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा अनडिस्कवर्ड एरिया है तो बिल्कुल इधर भीड़ नहीं, आप बहुत आराम से इधर आके अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, ना ही कोई ऐसी लंबी लाइन लगी हुई फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। इसलिए मैंने अंदर फ़ोटो वीडियोस नहीं बनाई, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, किसी ने मना नहीं किया था, मैं अपनी मेमोरी के लिए लेके आई हूँ, बट मैं उसे ऑनलाइन पोस्ट नहीं करना चाहती हूँ। हम लोग पूजा वूजा करके आ गए हैं एंड इट वॉज सो पीसफुल, बहुत ही अच्छी जगह थी। तो यहाँ की कहानी ऐसी है कि एक क्षत्रिय थे, उनका नाम था कल्बिष्ट जी थे, आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ, तो उनको मतलब मार दिया गया था, उनका सर अलग कर दिया था, धर अलग कर दिया था, तो सर किसी और मंदिर बनाया है, जहाँ धर गिरा था वो ये वाला मंदिर है। मतलब उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद भी इधर गांव वाले लोगों को कोई जब प्रॉब्लम होती थी तो वो आके इनसे बोलते थे, तो वो देवता के रूप में भी उन्होंने सबकी रक्षा करी है, इसीलिए माना जाता है। या मतलब हम लोगों की भाषा में, मैं उत्तराखंड की ही हूँ तो हमारी भाषा में तो इनको डाना गोलजू बोलते हैं, क्योंकि डान मतलब पहाड़, ये जंगल, और ये क्योंकि जंगलों में रहते थे तो इसीलिए डाना गोलजू। तो ये हमारे तो इष्ट देव हैं, बट हाँ अगर आप लोग भी कभी इधर आना चाहो तो ज़रूर आना, बहुत ही सुंदर मंदिर है और बिल्कुल ही डिस्कवर्ड नहीं है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ तो इतना ज़्यादा एकदम खाली है, एकदम ही पीसफुल जगह है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है, पीछे व्यू भी देखो। एंड इधर पास ही में काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स भी हैं, तो स्टे वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंदिर है और बिल्कुल ही डिस्कवर्ड नहीं है, इंटरनेट वगैरह पे कहीं आपको इसके बारे में उतना ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा जैसे बाकी मंदिर फेमस हो गए हैं। बट यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। एंड हाँ, अब हमारी पहली पूजा हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे मंदिर जो है चित्तई गोलजू का मंदिर। चित्तई तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, वो तो बहुत फेमस मंदिर है और वहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग आते भी हैं। ये दोनों ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, अगर ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ करके अगर लास्ट में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, आप इधर आके अपनी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। तो यस, अब हम जा रहे हैं अपने सेकेंड स्टॉप चित्तई में। अब हम लोग पहुँच गए अल्मोड़ा के बहुत ज़्यादा फेमस चित्तई मंदिर में, ये भी गोलजू का ही मंदिर है। यहाँ पे लोग अपनी सारी मन्नतें लिख के जाते हैं और फिर जब पूरी हो जाती हैं तो सब लोग यहाँ पे घंटे चढ़ाते आते हैं अपनी अपनी मन्नत के हिसाब से। हाँ, ये जब हम छोटे होते थे तब तो हम कई बार आए हुए, अभी यहाँ आए हुए हम लोग कम से कम नहीं तो 8-10 साल से ऊपर हो चुके हैं। लास्ट टाइम जब आए थे तब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो अभी तो बिल्कुल याद नहीं है, और मैं काफ़ी धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि सब पूजा कर रहे हैं, डिस्टर्ब ना हो। आप लोग देखो यहाँ पे सब ने अपने अपनी चिट्ठियाँ लगा रखी हैं और जिन जिन की विशेष पूरी हुई हैं उन्होंने घंटी चढ़ाई हुई है। इस नदी में हम बचपन में नहाते थे ना, इस खिड़की के नीचे जो एरिया थी इसी एरिया में मैं पैदा हुई थी। कितना सुंदर है, फोटो खींचो फोटो।